हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एसटीसी क्लास के यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरा इंस्टीट्यूट एसटीसी क्लास, ये है मेरा कांटेक्ट नंबर, ये मेरी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास, अगर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब मैंने पूरा डेडिकेशन यूट्यूब पे दिया है ताकि आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो, और आप मैथमेटिक्स हो या फिर इंग्लिश, ये दो पेपर एसएससी या किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इन दोनों सेक्शन को मैं बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं आप हमसे आगे खुद, तो भी आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा एड्रेस, आई एम इंजीनियर सुरेंद्र मेहता। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आज मैं पारामाउंट इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट बताने वाला हूँ, ठीक है। इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 9 है, आप ये बुक देख लीजिए, ये बुक का प्रैक्टिस सेट 9 है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी इंग्लिश की जितनी भी वीडियो आ रही है, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मेरी जितनी भी वीडियो आ रही है वो अभी इंग्लिश की सब अभी सिर्फ इंग्लिश की वोकैबुलरी पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 24, यानी टोटल के टोटल क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब के सब मेरे हिसाब से इंग्लिश अगर अच्छी करनी है आपको, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ही धांसू और ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ जो वोकैबुलर, अगर देखिए, सबसे पहले अगर ये सेट आपको कंप्लीट करना, सिर्फ इतनी सारी वोकैबुलरी है इसमें, अगर ये वर्ड मीनिंग अगर आपको कंप्लीट रहे तो आप इसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वोकैबुलरी को आज स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 28/12/2017, ठीक है। सबसे पहले जो मैं वोकैबुलरी बता रहा हूँ, इस वोकैबुलरी को आप पहले पढ़ कर लीजिए, उसके बाद इस सेट को मारिए, देखिएगा कितना भी खराब आप स्टूडेंट हो तो भी कम से कम 16 या 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो आपको बनना ही बनना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। और इसको मैं ट्रिक के साथ आपके साथ नहीं रखूँगा, ठीक है। तो देखा जाए, सबसे पहले है चलिए तो वोकैबुलरी में पहला वर्ड आता है मेरा रेड टैपिज्म। इसको कैसे समझेंगे, रेड टैपिज्म को, रेड टैपिज्म का मतलब होता है लाल फीता शाही। लाल फीता शाही मतलब टू मच फॉर्मेलिटी। आप कैसे याद करोगे, रेड मने लाल, टैपिज्म मतलब रेड टैपिज्म, लाल फीता शाही, ठीक है। तो कैसे होता है कि जब कोई उद्घाटन होना होता है या कोई उद्घाटन हो किसी ऑफिस का, कंपनी का, तो एक लाल रिबन कट किया जाता है, इससे आप पता चलता है कि हद से ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं। नेक्स्ट आते हैं मेरा प्रपोजिशन का वर्ड है कि सेटिस्फाइड के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा। तो सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना, और सेटिस्फाइड के साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो है प्रपोजिशन विद। सेटिस्फाइड के साथ लगने वाला प्रपोजिशन है सेटिस्फाइड विद। इसको समझेंगे कैसे, तो जैसे देखिए, संतुष्ट होते हैं किसी पर्सन के साथ, जब भी विद, जैसे आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, इसको कैसे समझेंगे, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, तो हम तुमसे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो जब पर्सन का केस आएगा तो जनरली इसमें विथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन कनेक्शन विथ। इन कनेक्शन विथ का मतलब होता है के सिलसिले में, ठीक है। कुछ वोकैबुलरी आप इसको अच्छे समझ के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सॉम्ब्रे। सॉम्ब्रे मतलब होता है ग्लूमी या फिर वेरी सैड या फिर उदास। देखिए सॉम्ब्रे को सॉम्ब्रे मूड कहते हैं, वो कहते इसको आप ऐसे समझो, सॉम्ब्रे मूड में कोई बंदा, सॉम्ब्रे मूड में, तो सॉम्ब्रे मूड को याद रखिए ग्लूमी से। ग्लूमी मतलब जो बंदा गुलाम रहता है, बहुत उदास रहता है, वेरी सैड तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और सॉम्ब्रे मूड तो भाई जो शाम के समय बंदे का मूड कैसा हो जाता है, सॉम्ब्रे मूड को शाम बनाइए ना, शाम के समय स्टूडेंट का मूड कैसा होता है, बहुत ही उदास हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रिग्रेस। रिग्रेस को बनाइए रिग्रेट से। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। तो जो बंदा पछताएगा, कोई काम कर रहा होगा पछताएगा, तो वो पीछे हट जाएगा क्योंकि अब उसका कुछ फ़ायदा नहीं होना है। तो रिग्रेस को बैकआउट से या फिर बैक स्लाइड से याद कीजिए। बैक स्लाइड मतलब पीछे हटना, ठीक है।
रिग्रेस को रिग्रेट से, याद रखिएगा ट्रिक। कंबरसम, कंबरसम मतलब हार्ड टू हैंडल, भारी भरकम, ठीक है। तो कंबरसम ढेर मतलब कम से कुकुम्बर, याद रखिए, असम से कुछ यानी कुछ ढेर सारा कुकुम्बर हो गया, यानी बहुत सारा कुकुम्बर हो गया, तो ये बहुत भारी भरकम हो गया जिसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ मैं ट्रिक बना रहा हूँ जिसकी वजह से आप इसको लॉन्ग कम से कम एक साल तक तो आपको याद रहेंगे। देखिए, कम से हो गया कम कुकुम्बर, असम से हो गया कुछ, तो कुछ कुकुम्बर यानी कुछ कुकुम्बर यानी ढेर सारा हो गया मतलब भारी भरकम हो गया, दैट इज हार्ड टू हैंडल। तो किसी सिचुएशन का इस कम्बरसम का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत भारी हो, ठीक है, जैसे कोई लॉकर है, तिजोरी है, कोई मकान है, या फिर कोई आदमी है जो बहुत भारी है, उस भारी सामान होने की वजह से, हेवी वेट होने की वजह से वो हैंडल नहीं हो पा रहा, तो उसको बोलते हैं कम्बरसम। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है अनुकूल या आरामदेह। कन्वीनियंट ये तो ईजी है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला मेरा इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल को कैसे, इसका एंटोनिम होता है फुलिश, ठीक है। इंटेलिजिबल का एंटोनिम होता है फुलिश। तो इंटेलिजेंस से याद रखिए जिसके पास दिमाग होगा, फुलिश जो बेवकूफ होगा, जस्ट उसका उल्टा। नेक्स्ट आइए टू टेक समवन टू टास्क, मतलब टू स्कॉल्ड समवन। इसको कैसे याद रखेंगे, इडियम फ्रेज है, टू टेक माने देना और समवन टू टास्क, किसी को बहुत ज़्यादा टास्क देना मतलब क्या, आप उस पर बहुत गुस्सा हो तभी तो, जैसे आप कोई टीचर है जो स्टूडेंट को क्या करता है, गुस्सा निकालना होता है तो चार दिन का होमवर्क एक साथ दे देता है और उसके बाद बोलता है तुम इसको बना के ला, नहीं बना के ला तो तुमको बहुत पीटेंगे, तो डांटने का केस है, यानी बहुत ज़्यादा टास्क देना। नेक्स्ट आता है टू रन समवन डाउन, मतलब टू कम डाउन या फिर रुक जाना। देखिए सो कैसे, टू रन समवन डाउन, कोई बंदा दौड़ रहा था, रन दौड़ रहा था, और उसको डाउन से, इसको डाउन को डाउन से याद रखिए, डाउन, इस डॉन को डॉन से याद रखिए, जब डॉन सामने आता है तो उसको देख के तो अच्छे अच्छे रुक जाते हैं, ठीक है, यानी रुक जाना। टू कम डाउन, आया और डॉन के सामने, आया डॉन के सामने, डॉन के सामने आएगा तो अच्छे अच्छे रुक जाते हैं। डिस्पैरेज समवन, नीचा दिखाना, टू डिस्पैरेज समवन को, तो देखिए डिस्पैरेज को कैसे याद रखिए कि डिस पर आज, डिस पर आजकल, डिस पर आजकल क्या होता है, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत ही नीचा दिखाया जाता है। डिस्पैरेज को ऐसे ट्रिक बनाइए, लिखिए नीचे, डिस पर आज भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत नीचा दिखाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एट अ स्नेल्स पेस। स्नेल्स मतलब होता है घोंगा, पेस मतलब इस रफ्तार, यानी कैसी रफ्तार, घोंगे की रफ्तार, घोंगा कितना स्लो स्लो चलता है, यानी कोई चीज़ बहुत ही स्लो स्लोली स्लोली होना, टू डू समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट आते हैं बियर ऑफ। बियर ऑफ मतलब सहन करना या फिर बंद करना। बियर ऑफ मतलब, देखिए बियर ऑफ का मतलब कोई चीज़ ऑफ हो गया, तो ऑफ हो गया मतलब बंद करना या फिर सहन करना, ठीक है। द सुल्तान बियर ऑफ ऑल हिज अपोजिशन, ठीक है, यानी सुल्तान जो है अपने सारे अपोजिशन को सहन कर सकता है, उसको बंद करके उसकी कल्टी मरवा सकता है। नेक्स्ट आइए डिजर्ट। डिजर्ट्स मतलब होता है छोड़ देना, या वन हु डिजर्ट्स हिज पार्टी और प्रिंसिपल, वह बंदा जो खुद की पार्टी या प्रिंसिपल को छोड़ दे, त्याग दे, वो कैसा बंदा होगा, रेनेगेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जो भी नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके मौका आने पे दूसरी की पार्टी में चला जाता, अपनी पार्टी बदल देता है, वो रेनेगेड कहलाता है, पाखंडी होता है, बहरूपिया होता है, ठीक है। चलिए द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग, हमारे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो, ये वन हु डिजर्ट हिज पार्टी और प्रिंसिपल, अपनी पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ मतलब, हैबिट मतलब आदत, वह आदत जिसमें बंदा, अब एडमायर मतलब तारीफ करना, वह बंदा जो अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा करता है उसको नार्सिज्म कहते हैं। नार्सिज्म का मतलब होता है अहंकारी, नार्सिज्म का मतलब होता है अहंकारी। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ दैट इज कॉल्ड नार्सिज्म। चलिए तो नेक्स्ट हम आते हैं, अगला मेरा वन हु इंटरवेंस
वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस. कहता है वन हु इंटरवेन बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस कहता है कि वो बंदा जो दो और दो से अधिक पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करता हो उसको इंटरमीडियरी बोलते हैं, इसको बिचौलिया बोला जाता है. बिचौलिया तो आप जानते होंगे, जो बीच में होता है, ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में मैटर को सुलझाए, या दो लोगों के बीच में झगड़ा हो उसके बीच के मैटर में आए सुलझाने के लिए, या फिर दोनों के बीच में उंगली करने के लिए आए, तो उसको बिचौलिया बोलते हैं. क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट हम आते हैं बियर अप. बियर अप मतलब होता है हिमायत करना. बियर अप का मतलब हिमायत करना. टेक अप कजल्स फॉर, याद रखिएगा ये फ्रेज. बियर अप मतलब होता है हिमायत करना. हिमायत मतलब हिम्मत दिखाना, ठीक है, कुछ करने का कोशिश करना. जो बंदा कोई नहीं करता है वो करने की हिम्मत दिखाना, दैट इज कॉल्ड बियर अप, यानी टेक अप कजल्स फॉर. नेक्स्ट आते हैं मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट को कैसे समझेंगे? मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, वेरी गुड. तो मैग्निफिसेंट कैसे याद रहेगा? भाई किसी की भी जो मंगनी होती है ना, बहुत ही शानदार होती है. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं रीजेनरेटिव. रीजेनरेटिव मतलब होता है रिस्टोरेटिव, मतलब हेल्दी अगेन. क्या समझेंगे? हैविंग द एबिलिटी टू मेक पर्सन स्ट्रांग एंड हेल्दी अगेन. देखिए इसको समझें कैसे. रीजेनरेटिव का मतलब होता है फिर से जन्म लेने वाला. रेस्टोरेटिव, फिर से स्टोर होने वाला, यानी वैसी एबिलिटी जिसके तहत कोई बंदा बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी हो सके फिर से. तो ये रहा मेरा वर्ड मीनिंग का सीरीज. आप इस वर्ड मीनिंग को दो बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. उसके बाद आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप इस क्वेश्चंस को बनाइए. पैरामाउंट सेट का क्वेश्चन है. इसको क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको मिनिमम आपको 16 से 20 क्वेश्चन बनेगा. तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो, इंग्लिश में अच्छा स्कोर आए, तो आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, ठीक है. और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नीचे बेल बटन दिया होगा, ये रेड कलर का दिया होगा, इस पर सिर्फ आप एक बार क्लिक कर दें बस. अरे चैनल सब्सक्राइब होगा, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में चला जाएगा. मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, ठीक है. बस मेरा आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा रिवीजन होता है, मेरा प्रैक्टिस होता है, और दूसरों की भलाई करने में मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है. तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद. और ये मेरा SSC क्लास. ओके.